चुनावी माहौल है, हरियाणा में चुनावी रैली है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पटौदी में इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बोलने का मौका मिल जाए तो आज मैं अभी लगभग 50 रैलियां मैं कर चुका हूं, अभी और 30 रैली हैं जो अगले 5 दिन में पूरी कर दूंगा। तो हरियाणा के सब भाइयों से आप लोगों को खास करके कहूंगा कि आप लोग 21 तारीख को, और ये जो अपना जिम्मेवारी है, अपना दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर हमारा, जैसे ईवीएम की बात कर रहे थे, ईवीएम में एक बटन होगा कमल का निशान, ये तो कमल के निशान पर बटन डालेंगे तो वो सारा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, वो सारा वोट हमारे प्रत्याशी सत्यप्रकाश जी द्रावता को जाएगा, हर वोट मनोहर लाल को जाएगा। मैं तो बल्कि ईवीएम को कहता हूं, अंग्रेजी में जो जानने वाले लोग हैं अगर उसको इस ढंग से कहें, ईवीएम एवरी वोट फॉर मनोहर। ईवीएम देखते ही मन में विचार आना चाहिए, एवरी वोट फॉर मनोहर। अगर आप ये करेंगे तो भारी मात्रा में आप लोग अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, हमारा भी विश्वास बढ़ेगा और हरियाणा में एक बहुत अच्छा एक वातावरण जो बना है इसको आगे बढ़ाने में हम काम करेंगे। और एक छोटी बात मैं बता के इसे खत्म करता हूं, कहीं कहीं पार्टी में अनुशासनहीनता वाले लोग भी होते हैं, जैसे कई बार जैसे एक बीमार एक अनार 100 बीमार वाली बात होती है। हम ये कहते हैं कभी कभी भाई एक चीज एक आदमी को मिल सकती है, हमारे यहाँ प्रत्याशियों की संख्या बहुत हो गई थी, 2, 3, 4, 5 कितने ही, जीतने वाले भी कई हो सकते हैं, लेकिन पार्टी टिकट कितने को देती है, एक को देती है। अब हमने एक को दिया, दूसरे को नहीं दिया, तीसरे को नहीं दिया, कोई कारण पूछने लगे थोड़ी पता लगेगा, हमारे राव नरवीर सिंह जी को टिकट नहीं मिली तो कोई कारण कोई नहीं पता लगता हमको। मैं एक ही कारण बताया करता हूं कि उसमें अगर कोई कारण रहा है, ये रहा, क्या कारण रहा है, ये रहा है। अब भाई हम सबके सहयोगी हैं, सब हमारे सहयोगी हैं, सब पार्टी में मिलजुल करके काम करेंगे, हमारे पास सबके लिए काम है, सबके लिए कोई ना कोई जिम्मेवारी है, लेकिन कोई व्यक्ति पार्टी का अनुशासन तोड़ करके बाहर का रास्ता अगर देखे तो उसको सबक सिखा देना, उसको सबक सिखा देना। मुझे पता लगा एक आदमी यहां भी अपने आप पे से बाहर हुआ हुआ है, वैसे अभी भी मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करा दूं कि भाई तेरा कुछ बटना नहीं है, तू क्यों 1,000, 2,000 वोट, 5,000 वोट खराब करे, इसकी बजाय सब मिल करके अपने एक ही जगह वोट डाल लो। आज भी अगर वो कह दे कि मैं साथ मिलने के चलने के लिए तैयार हूं तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आप लोगों का भी संबंध हो तो मेरी बात पहुंचा देना, लेकिन अनुशासनहीनता वाले के पास किसी को नहीं लगना चाहिए, ये समय का तकाजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पटौदी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ये रैली।